लेकर अच्छी तरीके से छान लेंगे। इसके बाद हम गैस पर पानी बॉयल होने के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर गैस पर मैंने एक बड़ा भगोना रख दिया है। अब हम इसके ऊपर पानी डालने वाले हैं। तो पानी हमें कितना डालना है, जिस कप से हमने आटे का मेजरमेंट लिया था उसी कप से हम पानी का भी मेजरमेंट करेंगे। एक कप आटे के लिए हम 1.5 कप पानी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप चावल का आटा और 1 कप मक्के का आटा लिया था, इसके लिए मैं 3 कप पानी डाल रही हूँ। इसके बाद पानी में मैंने 1/2 चम्मच नमक डाल दिया और 2 चम्मच पापड़ खार डाल दिया। पापड़ खार ना हो तो आप 1 चम्मच बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच पापड़ खार डाल दिया है। पापड़ खार डालने के बाद हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा डालने के बाद आप इसमें हरी मिर्ची का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर हरी मिर्ची का पेस्ट नहीं डाल रही हूँ, लाल मिर्ची का पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि बच्चों को हमारे यही पसंद आता है। तो यहाँ पर मैंने लाल मिर्ची का पाउडर भी चिली फ्लेक्स डाल दिया है। अब हम इसे बेलन की मदद से अच्छी तरह से चलाएंगे। इसके बाद हम इसमें वो चावल और मक्की का आटा जो था वो सारे आटों को हम एक साथ डालकर अच्छी तरह से बेलन से चलाते जाएंगे। ध्यान रहे ये काम हमें फटाफट ही करना है। बस गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और हम इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से चलाकर मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे आटे को हमें ऐसे ही नहीं छोड़ना है, हमें 2 से 3 मिनट तक इस आटे को चलाकर अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो आप देखिए बेलन की मदद से मैं किस तरीके से आटे को चलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अगर आपको लगे कि चावल के आटे और मक्की के आटे को मिक्स करने पर ये थोड़ा ज़्यादा सूखे लग रहे हैं तो आप इसमें गुनगुना पानी के थोड़े और छींटे मार सकते हैं। वैसे मेरा आटा मक्की का जो है वो ज़्यादा मोटा नहीं था, इसके लिए इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी है। 3 कप का मेजरमेंट एकदम परफेक्ट है। हम इसे ढक देते हैं। 2 से 3 मिनट ढकने के बाद हम इसे खोलेंगे। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं। तो ये देखिए ये हमारा जो है खिच्चू वो तैयार है। तो अब हम इसे किसी पलटे की मदद से अच्छी तरह से उलट पलट कर चला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक का थैली लिया है, उसमें मैंने थोड़ा ऑयल लगा दिया है। अब हम अपने इस खिच्चू को इस प्लास्टिक की थैली में डालेंगे। सभी खिच्चू को हम इस प्लास्टिक की सीट में भर देंगे और इस तरीके से अपने हाथों से मसल मसल कर इसका डो तैयार करेंगे। जैसे हम आटा गूंथते हैं उस तरीके से हमें इसे मसल मसल कर इसका एक अच्छा आटा तैयार करना होता है, जिससे इसके अंदर की जो भी गुठलियाँ हो वो ख़त्म हो जाए। अगर आपको लगे कि ये गर्म है और आपके हाथ जल रहे हैं तो आप इसे बेलन की मदद से भी कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ मक्की के आटे का पापड़ बनाते हैं तो बीच बीच में टूट जाता है और वो इतना टेस्टी भी नहीं लगता, क्योंकि मक्की का टेस्ट कुछ अजीब सा ही आता है। इसके लिए हमने यहाँ पर चावल के आटे को भी मिक्स किया है, जिससे इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाती है और इसका एक अच्छा डो तैयार होता है। तो इस तरीके से मसल मसल कर हम अपने खिच्चू को तैयार कर लेंगे। तो बस हमारा खिच्चू जो है वो तैयार हो गया है। तो आप देखिए यह कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। इस तरीके का आपका भी आटा होना चाहिए, नहीं तो आपके पापड़ में क्रैक्स आएंगे। तो अब हम इसे किसी बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं और फिर अपने हाथों की मदद से इसे मसलते हैं। खिचिया पापड़ का मतलब ये है कि हमें इसे खींच खींच कर बेलना होता है और एकदम अच्छा आटा तैयार करना होता है। तो बस अब हम इसकी एक लोई लेंगे और इसे डोनट के जैसा शेप देंगे और साइड में रखते जाएंगे। तो दूसरी लोइयाँ भी हम इसी तरीके से लेंगे और इस तरीके से डोनट के जैसा बना कर इसे भी साइड में रख देंगे। सारी लोइयों को हम इसी तरीके से तैयार करने वाले हैं। तो ये देखिए सारी लोइयाँ हमारी तैयार हो गई हैं। तो अब हम एक चलनी लेंगे और उसके ऊपर बटर पेपर लगाएंगे। बटर पेपर में मैंने ऑयल पहले से ही लगा लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो कोई घर का ही पेपर लीजिए और उसे गोल कट कर लीजिए और उसके ऊपर ऑयल लगा दीजिए। आपका बटर पेपर तैयार हो जाएगा।
सभी डोनट को हम इस तरीके से रख देंगे। तब तक जिस बर्तन में हमने खिचू को बनाया था उस बर्तन में पानी डालकर उसे बॉयल होने के लिए रख दिया है। पानी हमें उतना ही रखना है जितना कि ये आधे घंटे तक पक जाए। तो उसी बर्तन में मैंने पानी रख दिया है और उसके ऊपर एक स्टैंड रख दिया है। अब इसके ऊपर हम चलनी को रख देंगे और आधे घंटे के लिए ढक कर पकने देंगे। तो यह हम मीडियम फ्लेम पर करेंगे। ध्यान रहे, अगर आपका आटा जो है वो टोटल आटा 500 ग्राम था तो हमें इसे आधे घंटे पकाना है, मतलब आधे किलो आटे के लिए हमें इसे आधे घंटे के लिए बॉयल करना है, मतलब स्टीम करना है। अगर हम आधे किलो आटे में कम स्टीम देंगे तो यह अच्छे से पकेगा नहीं और बाद में हमारे पापड़ में क्रैक्स आएंगे। तो बस अब हमारा जो सारा डोनट था वापस उसी प्लास्टिक की सीट में डाल लेंगे और इसके ऊपर का बटर पेपर निकाल देंगे और फिर बेलन की मदद से हम इस तरीके से वापस से आटे का डो तैयार करेंगे। फिर से हम बेलन की मदद से मसल मसल कर अपना एक अच्छा आटा तैयार कर लेंगे। बेलन से मसलने से ये होता है कि यह गर्म होता है तो हमारे हाथ जलते नहीं हैं। खिचू बनाने का जो सारा प्रोसेस होता है वो गरम गरम ही होता है, ठंडे होने पर ये अच्छे नहीं बनते हैं। तो इस तरीके से मसल मसल कर मैंने अपने आटे को तैयार कर लिया है। तो हम इस आटे को किसी दूसरे बर्तन में रख देंगे और अच्छी तरीके से ढक देंगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट आटा बनकर तैयार हुआ है। तो बस इस आटे को ढक कर रख देते हैं और चलते हैं अपने पापड़ बनाने। तो यहाँ पर मैंने जिस कपड़े पे हमें पापड़ को फैलाना है वो पहले ही बिछा दिया है। बस आटे की एक लोइयां लेंगे और इसे हम अच्छी तरीके से पतला पतला बेलेंगे। आप पापड़ को प्लास्टिक की सीट पर भी रखकर अच्छे से बेल सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारे पापड़ एक जैसे बने इसके लिए एक रिंग लिया है और उसके ऊपर इस कटिंग करके इस तरीके से अपने खिचिया पापड़ को तैयार किया है ताकि हमारे सारे पापड़ एक जैसे और एक ही साइज के बने। वैसे आप अपने सभी पापड़ को बेलन की मदद से भी बेल सकते हैं। बेलन की मदद से बेलने से ये होता है कि कभी ये थोड़ा छोटे बड़े आड़े टेढ़े बनते हैं, लेकिन इस तरीके से रिंग से कटिंग करने पर ये सभी पापड़ एक जैसे बनकर तैयार होते हैं। तो दूसरी लोइयां लेकर मैंने एक डब्बे को लेकर प्रेस कर दिया ताकि ये गोल सर्कल अच्छे से बन जाए और हमारे पापड़ तैयार हो। तो इस पापड़ को मैंने ऐसे ही बेलकर तैयार किया है और ये देखिए है ना एकदम आसान खिचिया पापड़ बनाना। तो बस इसी तरीके से सभी पापड़ को हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हमारे मक्की के आटे का खिचिया पापड़ एकदम आसानी से बनकर तैयार हो गया है। तो आपको जैसा पसंद आए आप वैसा कर सकते हैं, या तो आप इसे डायरेक्ट चकले पर ही बेल लीजिए या फिर प्लास्टिक की शीट में ऑयल लगा कर बेल लीजिए या फिर रिंग या फिर कोई कुकी कटर से इसकी कटिंग कर लीजिए। तो ये देखिए मैंने इतने सारे पापड़ बनाकर तैयार किए हैं और ये देखिए हमारे सारे खिचिया पापड़ एक जैसे बनकर तैयार हुए हैं। कुछ पापड़ को मैंने बेला था वो भी ये देखिए आपके सामने बड़े आकार में है। ये देखिए हमारे सभी खिचिया पापड़ एक जैसे तैयार हो गए हैं और कुछ पापड़ को मैंने कुकी कटर से कटिंग किए थे जो ये हार्ट शेप के बनाए हैं मैंने। तो हार्ट शेप वाले भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आपके पास कुकी कटर हो तो आप किसी भी शेप में पापड़ तैयार कर सकते हैं। तो ये हार्ट शेप वाले भी पापड़ मैंने कुकी कटर से कटिंग करके बनाए हैं। तो पापड़ सूखने पर आपको दिखाते हैं और ये देखिए हमारे सभी एक जैसे पापड़ सूखकर बनकर तैयार हो गए हैं। जब पापड़ की साइज एक जैसी होती है तो दिखने में काफी ज्यादा